हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पर क्लासेस. राइट, टुडे विल बी स्टार्ट 8th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशन. राइट, नाउ हियर वी विल बी कंपेयरिंग द ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. ठीक है, इन द होल सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी वी विल कंपेयर इंडिया एंड ब्राज़ील एट डिफरेंट एस्पेक्ट. राइट, नाउ टुडे विल बी स्टार्ट 8th चैप्टर इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशन. व्हाट आर द इकोनॉमिक कंडीशंस या इकोनॉमिक situations of Brazil and India will be study, right? And occupation, prospect point of occupations. Now, a table regarding the ownership of various sector in both the countries is given, like Brazil. Fill the data regarding India and complete the table, right? अभी India में sector दिया हुआ है Brazil में, right? India में banking sector होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन किस में? Public, private दोनों क्या? हाँ, प्राइवेट पब्लिक दोनों. तो अपने को ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि ये सेक्टर पब्लिक में है, प्राइवेट में किस में है, वो अपने को आइडेंटिफाई. जैसे बैंकिंग ब्राज़ील में प्राइवेट एंड पब्लिक बहुत दिया हुआ है अपने को, तो सेम ऐसे इंडिया में है क्या? हाँ, इंडिया में भी सेम चीज़ है, पब्लिक प्राइवेट दोनों है बैंकिंग सेक्टर में. रेलवे का सिचुएशन सेम है, एयरवे का सिचुएशन सेम है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन का भी सिचुएशन सेम है, आयरन स्टील का भी सिचुएशन सेम है, हेल्थ का भी सेम है, एजुकेशन का भी सेम है. राइट, टेलीकम्युनिकेशन का भी तुम्हारा क्या है? सेम है. मतलब मोस्टली तुम्हारा इसमें कौन इन्वॉल्व है? प्राइवेट एंड पब्लिक. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. एन इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री depends on the economic activity carried out in the country. You have learned that there are three type of economic activity. We have learned about there are three type of economic activities. They are in figure 8.2. The pie chart shows the contribution of each sectors in the respective country GDP and the percentage of population engage in various activities. Read both the pie chart carefully. Answer the following questions. So we will go both now. The economics are divided in three part. तीन perspective उसके economic के, right? अब तुम्हारा इसमें देखो दिख रहा है क्या? Primary, secondary और tertiary. The blue one part is for primary sector and the orange one part is for secondary sector and the grey part is for tertiary sector. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे ब्राज़ील और इंडिया को क्या किया गया, यहाँ पे कंपेयर किया गया है. तो हम कंपेरिजन देख सकते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन GDP 2016. ब्राज़ील में टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा किस पे है? इंडिया में भी सबसे ज़्यादा टर्शरी में ही है. राइट, और सेम सेकेंडरी सेक्टर का भी सेम तुम्हारा वही चीज़ है. नाउ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन वेरियस सेक्टर्स इन 2016. अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया ब्राज़ील का कहाँ का एंगेज्ड है? 71% किस कहाँ एंगेज है? ब्राज़ील का टर्शरी सेक्टर में. और इंडिया का सबसे ज़्यादा कहाँ एंगेज्ड है? प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में. अंडरस्टूड. तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते. नाउ वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टार्ट से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते. इन फिगर 8.1 वी सॉ दैट इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम देन ब्राज़ील. ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड जायंट ऑफ माइनिंग, agriculture and manufacturing, and it has own strong and rapid growing service sector. On the other hand, India is still depend on agriculture, though service sector is also increasing in India. Abhi 8.1 jo chart hai, right? 8.1 chart kahan hai apna? Ek minute. Jo 8.1 ka chart hai, humko yahan se malum pad raha hai ki इंडिया का नेशनल इनकम ब्राज़ील से कंपेरिजन क्या है तुम्हारा, कंपेटिव क्या है? ज़्यादा है, लेकिन यूएसए के आसपास भी नहीं. यूएसए का नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इंडिया का कंपेटिवली ब्राज़ील से क्या है अपना नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है. नाउ अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था ये चीज़. हाँ, ब्राज़ील एक ऐसा ब्राज़ील तुम्हारा माइनिंग सेक्टर में, माइनिंग एग्रीकल्चर में क्या है, मोस्टली जाइंट है, मतलब बहुत ही बड़ा है. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ माइनिंग, बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है. राइट, और इस सर्विस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फटाफट ये इंक्रीज़ कर रहा है अपने आप को. नाउ लाइक द इंडियन इकोनॉमिक, द ब्राज़ीलियन इकोनॉमिक इज़ ऑल्सो मिक्सड इकोनॉमिक. मिक्सड इकोनॉमिक तुम समझते हैं क्या होता है? मिक्सड इकोनॉमिक मतलब वेयर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर इन्वॉल्व, दैट इज़ कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमिक. Both the Indian and the Brazilian economics are developing economics. Their per capita income are very less as compared to the developed countries like the USA. हम सबको मालूम है USA is one of the developed country, right? हमारा per capita income USA से क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही बहुत ज़्यादा कम है.
ठीक है। नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो इंडिया हैज़ अ हायर नेशनल इनकम एज कम्पेयर टू ब्राज़ील, देयर पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज़ लोअर देन ब्राज़ील। अभी क्या होता है इसके अंदर बोल रहा है, ये बात अपने समझना पड़ेगा कि इंडिया ऐसा हाई नेशनल इनकम, इंडिया का नेशनल इनकम क्या है कंपेरेटिवली ब्राज़ील से क्या है बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है बहुत कम है इंडिया का ब्राज़ील से। फिर भी ऐसा क्यों? इसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन, डेट इज़ वाई इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज़ लोअर दैन ब्राज़ील, राइट। दिस इज़ द मेन रीज़न। यूज़ द फॉलोइंग टेबल्स एंड मेक अ पॉलीलाइन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब ये तुम्हारा समझ लो वो है एक एक्टिविटीज टाइप, तुमको तुम एग्जाम में पूछेंगे या तुम अपने ओन से करो तो बेटर रहेगा तुमको। अब पर कैपिटा इनकम तुमको दिया हुआ है यहाँ पे ब्राज़ील इंडिया यूएस से, राइट। 1960 में पर कैपिटा इनकम ब्राज़ील वॉज 240 एंड इंडिया वॉज 90। 1980 में कितना? 210, इंडिया 280, राइट। 2010 280। तो यहाँ पे इंडिया का पर कैपिटा इनकम ब्राज़ील से क्या है बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत कम है। नाउ द यूनाइटेड स्टेट इज़ डेवलप्ड कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज़ वेल एडुकेटेड, दिस कंट्री हैज़ द स्ट्रेंथ of many patents, modern technology and mechanical strength। अभी जो तुम्हारा यूनाइटेड नेशन है तुम्हारा क्या है बहुत ही डेवलप कंट्री है, तो इन्होंने क्या किया है अपना जितने इनकी इनका स्ट्रेंथ क्या है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे, इन्होंने बहुत सी टेक्नोलॉजी क्या कर दी उसको पेटेंट कर दी। पेटेंट मतलब इनके अलावा टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं कर सकता, दूसरी चीज़ तुमको इसके इनके पास से खरीदना पड़ेगा। नाउ इंडिया एंड ब्राज़ील आर डेवलपिंग कंट्री, दस कंट्रीज आर progressing in the field of technology advancement, education and industries. The national per capita income of the country is low. India's per capita income seems to be even lower as India's size is very large. अभी क्या है इंडिया ब्राज़ील क्या है तुम्हारा दोनों डेवलपिंग कंट्री है, तो लोग धीरे 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 क्या है अपने आप को टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे, राइट, एजुकेशन में एडवांस कर रहे, इंडस्ट्री में एडवांस कर रहे, धीरे धीरे क्या कर रहे लोग अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे, डेवलपिंग स्टेज पे है। लुक एट द मैप गिवन इन फिगर 8.3, वेर इज 8.3, वेट वेर इज 8.3, हाँ हियर द मैप इज 8.3, ठीक है। तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गो थ्रू दिस मैप एंड देन आंसर दैट क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन फ्रॉम एग्रीकल्चर, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एग्रीकल्चर इन ब्राज़ील, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाईलैंड एंड कोस्टल एरियाज। In Brazil, agriculture is main occupation of that people, of their livings, right? Because there are live in highlands and coastal areas, favorable climates and topography makes it possible for growing a variety of crops. वहाँ पे वो वहाँ की conditions क्या है वो agriculture के बहुत ही suitables है, right? Rice and maize are the main cereal crops. वहाँ के जो cereal crop सबसे main cereal crop क्या है rice and maize. Rice and maize are the main cereal crop, right? Productions of maize is largely concentrated in the central part. Commercial crops like coffee, cocoa, rubber, soybean and sugar are cultivated on large scale. Commercial crop jo tumhare like coffee, cocoa, rubber, soybean, sugar cane are cultivated in a large scale. Isse cheeze tumhara kya hai cultivated both large scale pe usko ugaya jata hai, theek hai. Brazil is the largest exporter of coffee and soybean in the world. तो कॉफ़ी एंड सोयाबीन आर लार्जली एक्सपोर्टेड बाय द ब्राज़ील। द मेजर स्टेट ग्रोइंग कॉफ़ी आर मिनास ग्रियास एंड साउ पोल। बिसाइड्स दिस क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड अदर सिट्रिक फ्रूट्स इज ऑल्सो डन। तुम्हारा जो साउ पोल एंड ग्रियास यहाँ पे मेजर तुम्हारा ये स्टेट है जहाँ पे कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेट ग्रोइंग किया जाता है, राइट। नाउ दे ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रिक फ्रूट्स इज डन। कैटल, शिपिंग एंड गोट आर ऑल्सो रेड इन द सवाना ग्रासलैंड इन द साउथ। देर इज अ प्लेस कॉल्ड सवाना ग्रासलैंड इन द साउथ। कॉन्सिक्वेंटली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। देर मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, राइट। Now these all are the activities 8.3. You have to study the 8.3. Then answer that questions, right? The given is there. Now the eastern part of Brazil is rich in various type of minerals: iron ore, magnesium, nickel, copper, bauxite, tungsten, diamonds, etc.
the eastern part of Brazil. They are very rich in minerals. They are iron ore, magnesium, nickel, copper, bauxite, tungsten, dynamite, etc. Inaccessibility, lack of knowledge of potential reserves of resources, dense forest, etc. are factors which have led to limitation in the mining in the interior part of the country. यहाँ पे क्या है, बहुत से जो dense forest है, ठीक है, किसी वहाँ पे accessible नहीं, मतलब वहाँ पहुँच सकते नहीं, जा सकते नहीं, right? इतना घना होता है, ठीक है, और वहाँ पे किसी को proper knowledge भी नहीं, इसलिए क्या हुआ वहाँ पे थोड़ा खुदाई नहीं करते, माइनिंग नहीं करते, क्योंकि किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है. लेकिन अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, धीरे धीरे सबको नॉलेज आना शुरू हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं लोग, अब वहाँ पे माइनिंग करना शुरू कर रहे हैं. Right. Nevertheless, because of increasing demand in the country, mining work had developed well in the highland areas. Right. Now, fishing. Let's move on fishing. जो तुम वो figure पूछना है, figure 8.3, ये सब वहाँ तुम देख लो, तुम question पढ़ो, तुमको ultimate तुमको वहाँ पर तुम्हारा answer मिल जाएगा. Right. तो अब explain करने की ज़रूरत नहीं इतनी. Now, geographic explanation. Brazil has a sea coast of around 7,400 km and excellent fishing ground of the South Atlantic coast. ठीक है, the meeting of the Vernon Brazil current and the cold flocculent current of the coast of South East Brazil make it good fishing ground. वहाँ पे क्या होता है, जो कोल्ड वाटर है और वार्म वाटर है मिक्स होकर आते हैं, तो तुम्हारा वो जगह क्या बनता है, फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा जगह स्पॉट बन जाता है, वहाँ पे तुम फिशिंग्स कर सकते हो. अंडरस्टूड. ट्रेडिशनली फिशिंग हैज़ बीन कैरिड ऑन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फिशरमैन यूजिंग प्रिमिटिव टेक्निक्स इक्विपमेंट्स, बट नाउ लार्ज वेसल आर बीइंग यूज्ड. स्वॉर्ड फिश, श्रिम्प, लॉबस्टर, सर्डियंस आर द मेन कॉट. The main caught the fish resources of the Amazon River are not exploited much and fishing only take place at a small scale. Brazil तुम्हारा कैसा है, जो fishing तुम्हारे बहुत small scale पे, right? वहाँ पे traditional technique से fishing की जाती है, right? फिर धीरे धीरे थोड़ा वो लोग अपने को develop करना शुरू, large vessel, बड़ी बड़ी नाव boat लाते हैं, तो उससे वो लोग fishing करना शुरू करते हैं. तो fish के नाम दिए तुमको, short fish, shrimps, इससे तुम्हें fish के नाम जो type वहाँ पे पाए जाते हैं. Now agriculture in India. Geographic explanation. Unlike Brazil, India's agriculture contributes more towards GDP and also engage a large chunk of population. Around 60% of land in India is under cultivation. अभी इंडिया का main occupation क्या है, agriculture, right? 60% of populations are engaged in agriculture. ठीक है, sorry, 60% of land there is used for cultivation. 60% जो इंडिया की land है वो खेती के लिए की जाती है. It enormous expanse of level plains, rich soils, high percentage of cultivable land, wide climate varieties, long growing season, etc. provide a strong base to agriculture in India. Agriculture has been a long standing activity. अभी जो इंडिया की जो रिच सॉइल्स है काफ़ी फर्टाइल होती है, राइट, इसलिए यहाँ पे और बहुत से क्रॉप में जो सीजनल वाइज उगते हैं, सीजनल वाइज की जाती है, सूट करता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा एग्रीकल्चर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है. इंडियन एग्रीकल्चर इज मेनली सब्सिक्वेंट टाइप. इंडिया प्रोड्यूस राइस, वीट, माइस, सोर्गम एंड मिल्ट एज मेजर फूड क्रॉप. प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर, केन, कॉटन, जूट एक्सेट्रा ऑल्सो प्रोड्यूस. इंडिया इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, होपफुली तुम समझ गए उसको कि बहुत है नहीं इसके अंदर. इंडिया में बहुत मेनली सब्जी बहुत से प्रोड्यूस करते हैं, राइस वीट, माइस, मिल्ट्स, दे आर द मेजर फ्रूट क्रॉप्स विच आर प्लांटेड, राइट. इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूस टी, कॉफी, रबर एंड कैश क्रॉप्स लाइक शुगर, केन, कॉटन, जूट. ठीक है, दिस आर द गुड्स क्रॉप्स दे आर कल्टिवेटिंग. फिशिंग इन इंडिया. फिशिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द इकोनॉमिक of India. India is one of the largest producer of fish, both marine and inland. Fishes help in augmenting food supply, generating employment, raising nutrition level and earning foreign exchange. अभी इंडिया भी, इंडिया में जो फिशिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इंडिया में फिशिंग बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है, राइट, बहुत ही लार्ज स्केल पर होती है, इससे तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. ठीक है, मरीन और इनलैंड टाइप की दो टाइप की फिशिंग होती है. मरीन मतलब खारे पानी से, इनलैंड मतलब फ्रेश वाटर से, राइट. तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, ये जो फिश उगाते, फिश हम लोग जो
फिशिंग करते हैं तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे क्या होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व बढ़ना शुरू होगा, फॉरेन करेंसी आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिशिंग फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, इन इंडिया देर आर सम स्टेट्स दे इंक्लूड फिश इन देयर डेली डाइट्स। ठीक है, द स्टेट आर केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड महाराष्ट्र। इंडिया हैज़ अबाउट 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, मरीन फिशिंग्स अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड बींग कन्वेंट टू कोस्टल वाटर इन द वेस्ट फ्रॉम कंच, मलबार कोस्ट टू कॉमरेडल कोस्ट इन द ईस्ट। मेजर फिश आर सरेंडिंस, मैक्रियल, बॉम्बे डक एंड पॉन्स, दे आर द नेम्स ऑफ फिश, राइट, स्पीसीज ऑफ फिश। द ऑन द ईस्ट कोस्ट द इम्पॉर्टेंट फिश आर हॉर्स मैकलेस, क्लिपाइड एंड सिल्वर बेलीज, दे आर द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ ईस्ट कोस्ट, राइट। वेटर, हाँ, फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन इन रिवर कैनल्स, इरीगेशन चैनल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, लेक एक्सेट्रा। ठीक है, ये फ्रेश वाटर की फिशिंग की जो की जाती है मोस्टली तुम्हारा कैनल्स, इरीगेशन चैनल्स, टैंक्स, पॉन्ड्स यहाँ पे की जाती है। सिल्वर बेली, स्क्रैप्स, चोपटा एक्सेट्रा आर मेजर फिश फ्रेश वाटर वराइटीज। अबाउट 60% ऑफ द कंट्रीज टोटल फिश प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम इनलैंड फिशर्स। अभी हमारे इंडिया का 60% जो फिशिंग होती है तुम्हारा कहाँ से आता है, तुम्हारा वो फ्रेश वाटर से आता है। नाउ माइनिंग इन इंडिया, द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया इज अ बिग स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। द छोटा नागपुर इन इंडिया इज अ बिग स्टोरेज हाउस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, मतलब यहाँ पे बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं। द नेम कॉल्ड छोटा नागपुर। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल देयर इन छोटा नागपुर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वर माइनिंग। कोल इज माइंड इन कोरबा इन छत्तीसगढ़ एंड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र। मिनरल ऑयल वेल्स आर फाउंड इन दिग्बो इन आसाम। मुंबई हाई ने अरेबियन सी नियर महाराष्ट्र, कलोल एंड कोयली इन गुजरात, रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड एट द माउथ ऑफ रिवर गोदावरी। जितने मिनरल्स, ऑयल है, नेचुरल गैस है, वो कहाँ पे डिस्कवर, कहाँ से पाए जाते हैं, वो माउथ ऑफ द रिवर ऑफ गोदावरी। स्टोन लाइक मार्बल आर फाउंड इन राजस्थान एंड कड़प्पा इन आंध्र प्रदेश, राइट। द मार्बल्स आर फाउंड इन द राजस्थान एंड कड़प्पा इन आंध्र प्रदेश। नाउ इंडस्ट्रीज इन ब्राज़ील। मेजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शंस, ऑटोमोबाइल असेंबल, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोडक्शंस एंड सीमेंट मेकिंग। टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव बीन द मोस्ट डायनामिक इन रिसेंट ईयर बट हैव नॉट आउटपेस्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड वेल। देर फूड प्रोसेसिंग लाइक शुगर इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल्स, सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज, वहाँ पर बहुत ही अच्छा डेवलप होना शुरू हो गया। मोस्ट लार्ज इंडस्ट्रीज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। द नॉर्थ ईस्ट इज ट्रेडिशनली द पोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ब्राज़ील बट इट इज़ बिगेन टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे पूरेस्ट पार्ट है, वो पूरेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील है, लेकिन बट वहाँ पे क्या हुआ, नए इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे आने शुरू हो गए। ठीक है, नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राज़ील के। नाउ इंडस्ट्रीज इन इंडिया वी कैन सी इन 8.4। तो वी कैन कम टू नो द नेम्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर सिचुएटेड इन इंडिया, विच आर एस्टेब्लिश इन इंडिया। दे आर ONGC, राइट, एरे, ACLDU, RCF। ठीक है, दे आर फेमस इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली अनइवन। दिस इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड पावर सप्लाई एंड पार्टली ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइज, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड अदर नेसेसरी कंडीशन इन लार्ज टाउन्स। अभी हमारे इंडस्ट्री में क्या है, कुछ कुछ इंडस्ट्रियल पार्ट में कुछ ज़्यादा ही मतलब भेदभाव होना है, ऐसा अनइवनली। तो कुछ कुछ पार्ट्स पे नेसेसरी रॉ मटेरियल पावर सप्लाई पार्टली ड्यू एंड टू कंसंट्रेटेड एंटरप्राइज, राइट, तो ज़्यादा सप्लाई की जाती है चीज़ें। झारखंड, ओडिशा एड जॉइनिंग छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ मेटेलिक मिनरल्स।
तुम्हारा पे यहाँ पे मोस्टली मेटलिक मिनरल्स होते हैं, यहाँ पे मोस्टली उसकी इंडस्ट्रीज होंगी यहाँ पे, राइट। तो हम जहाँ रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे उस टाइप की हम जिस टाइप का रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा हम वहाँ पे उस टाइप की वहाँ पे इंडस्ट्री सिचुएट करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। दिस एरिया देयरफॉर पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला हैव अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ हैवी मेटलरिक इंडस्ट्रीज विच ऑलमोस्ट द स्टील सेंटर सिचुएटेड हियर वेर द एरिया वेर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ठीक है, वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री वो तुम्हारा स्टील सेंटर है, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ कोल एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल अलॉन्ग विथ चीप पावर फ्रॉम द दामोदर वैली कॉरपोरेशन एंड नंबर ऑफ थर्मल पावर नंबर थर्मल प्रोजेक्ट्स हैव एडेड एडवांटेज। राजस्थान हैव कॉपर लीड जिंक, कर्नाटक हैव स्टील मैग्नीशियम एल्युमिनियम, तमिलनाडु हैव एल्युमिनियम मेटल्स इंडस्ट्रीज। नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग कॉटन, जूट एंड शुगर आर हैविली concentrated in the raw material producing areas. The forest based industries including paper, plywood, matches, resins and likes are increasing, finding concentration in the forest area of various states. The coastal belt of Kerala has a heavy concentration of copra and fish canning industries. इसे industries के नाम हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ क्या क्या produce होते हैं, कोयली, दिग्बोई, नूनमट्टी एंड बोंगई गांव रिफाइनर्स आर सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है, ये सब जहाँ सिचुएट किए गए हैं, सब नाम है उसके। एंड मथुरा एंड बारूनी रिफाइनर्स इन द इंटीरियर अबव फ्रॉम द कोस्ट एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट्स इंडस्ट्रीज ऑल्सो हाईली कंडीशन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। Now Gujarat, Rajasthan, Tamil Nadu produce the bulk of salt in the country. Mechanical engineering, electrical, automobile, fertilizer and numerous consumer industry which shows title buys for raw material have come up all over the country with higher concentration near the big city. Now last part of the chapter, geographic explanation. Brazil mainly export iron ore, coffee, cocoa, cotton, sugar, tobacco, orange and bananas, while it import machineries, chemical products, fertilizer, feed, heavy vehicles, mineral oil and lubricant. ये सब चीज़ ब्राज़ील तुम्हारा क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है। कुछ समझाने की बात नहीं इसके अंदर, ठीक है, इसके पहले मैंने सिर्फ इंडस्ट्रीज नाम पढ़े, वो इंडस्ट्री में क्या क्या बनता है, क्या क्या वो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है तुम्हें पता है ना, किस टाइप की इंडस्ट्री वो वहाँ पे तुम पढ़ो मालूम पड़ेगा तुमको। मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर जर्मनी, यूएसए, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना एंड साउथ अरेबिया, दे आर द ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ ब्राज़ील, अंडरस्टूड। नाउ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट देखो यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया का हमेशा ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या रहा है, हमेशा ज़्यादा रहा है इम्पोर्ट से, राइट। लेकिन तुम ये साइड देखोगे, ब्राज़ील साइड में देखोगे, इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, ईयर बाय इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्ट कम है। तो द कंट्री वी एक्सपोर्ट्स मोर दे आर इन प्रॉफिट, राइट, द कंट्री विच एक्सपोर्ट्स मोर दे आर इन प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। इंडियाज ट्रेड मेकअप अबाउट 20% ऑफ GDP, इंडिया में 20% वो GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट पार्ट, इंडिया मेनली एक्सपोर्ट टी, मैंगोज, कॉफी, स्पीसी, लेदर एंड लेदर गुड्स, आयरन ओर, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, वाइल इट मेनली इम्पोर्ट पेट्रोलियम, मशीन्स, पिल्स एंड प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, मेडिसिन, इंडिया, ये सब चीज़ें क्या है जो इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स आर UK, द USA, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया। नाउ चाइना इज नो मोर पार्ट ऑफ इंडिया ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है। नाउ वॉट इज ब्रिक्स, डू यू नो ब्रिक्स, ब्रिक्स में तुम्हारा क्या है देखते हैं। द ब्रिक्स ब्राज़ील हैव ओपन अप अ स्ट्रेटजी पार्टनरशिप विद इंडिया, देर हैव बिन एग्रीमेंट फॉर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, इंडिया ब्राज़ील में जो इन्वेस्टमेंट्स होगा बायलेटरली, ठीक है, उसमें इसमें एग्रीमेंट बना ब्रिक्स में, राइट। तो तुमको पढ़ोगे मालूम पड़ेगा तुमको क्या है ये। तो जोग्राफिकल इंडिया कंपनीज सेट अप इंडस्ट्री सेंटर ऑल ओवर ब्राज़ील एंड इन्वेस्ट लॉट ऑफ कैपिटल, इंडिया कंपनीज इंडिया सेंटर कहाँ है वो ब्राज़ील में सेटअप करते हो, बहुत से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हो लोग। द इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन सच सेक्टर्स ऑफ SIT, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, एग्री बिजनेस, माइनिंग, इंजीनियरिंग एंड ऑटो सेक्टर्स। ब्राज़ील फुटप्रिंट इन इंडिया इज स्मॉलर बट
ब्राज़ील का जो कंपनीज है वो इंडिया में बहुत कम है, लेकिन बट इम्पॉर्टेंट क्या है, लेकिन बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्राज़ील कंपनी हैव इन्वेस्टेड इन ऑटोमोबाइल, आईटी, माइनिंग, एनर्जी, बायोफ्यूल, फूडवेयर एक्सेट्रा सेक्टर इन इंडिया। यहाँ ब्राज़ील ने इन्वेस्ट किए इंडिया में। अंडरस्टूड? हाँ, इसके बाद भी तुमको कुछ डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो मैं पसंद जाता है वो मुझे व्हाट्सअप करके मेरे नंबर पे मुझको पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। अंडरस्टूड? होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।